हम लोग 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर में आ चुके हैं। 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 12 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किसी भी बोर्ड क्यों ना हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, कुछ हो भी बोर्ड क्यों ना हो, आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद करना है आपको, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए किस तरह से सवाल को पढ़िए, सवाल को क्या पूछा है आपको। तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, मतलब आपको सवाल में पूछा गया है कि तीन अंक, मतलब तीन अंक, ये तीन अंक हुआ कि नहीं हुआ, ये तीन अंक है हम लोग का। तीन अंक आपका कितना संख्या, तीन अंक आपका कितना संख्या है जो 7 से आपको भाग जाएगा, मतलब कितना संख्या है जो आपको भाग जाने वाला है, तीन अंक का कितना संख्या होने वाला है, तीन अंक का कितना संख्या होने वाला है जो आपको वो भाग जाएगा, तीन अंक का कितना संख्या है जो 7 से भाग जाएगा। तीन अंक का पहला संख्या क्या होगा, आप लोगों का पहला संख्या क्या होगा, 7 से भाग जाएगा, 0 5 आई ना है। चेक करने के लिए देखो, चेक करने का 7 से तरीका देखिए हम बता देते हैं कि 7 से किसी भी संख्या को चेक कैसे कर सकते हैं, 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम मान सकते हैं ये 105 लिए, तो लास्ट में आपको देखना है 0 और 7 अगर भाग जाता है, 0 और 7 आता है या 7 से भाग जाता है तो वो संख्या भाग जाएगा। देखिए इसको लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ये लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। कितना बचा 10, तो 10 लिख दीजिए, माइनस कर दिए 5, 5 के साथ 2 को गुणा करेंगे, हर बार कितना को गुणा करना है, 2 को गुणा करना ही है। तो 0 5 10 कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं, मतलब ये 7 से भाग जाने वाला है। मान के चलते हम एक वो ले लेते हैं, ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा हम देखते हैं। बाद 2 है, इधर 2 है, ये कितना आ गया, 16 आ गया। लास्ट वाला संख्या को देखना, लास्ट वाला संख्या ले लिए, लास्ट 2 गुना 2 कितना आ गया, 16 माइनस 4 कितना आ गया, 12 आया कि नहीं आया, 7 से भाग जाएगा 12, तो ये संख्या 7 से भाग नहीं जाने वाला है। तो उस तरह से कितना संख्या है जो आपका भाग जाएगा 7 से, ठीक है। तो 105 आ गया, क्या आ गया 105, उसके बाद क्या आएगा, 7 से जोक कर देते हैं, 0 7 112 आएगा, 119 आएगा, 119 आएगा कि नहीं आएगा, 7 से हम लोग जोक करते जाएंगे, जोक करते जाएंगे, तो कितना तक लाएगा हम लोग, कितना तक ला सकते हैं, तीन अंकों के साथ जितनी संख्या होगा कितना तक ला सकते हैं हम लोग, जो तीन अंक का 994 कितना तक होगा हम लोग का 994। अब चेक कर लेते हैं 994 7 से भाग जाएगा कि नहीं आएगा, 994 है, इसको छोड़ देते हैं, 99 को ले लेते हैं, 994 2 2 गुना 4 कितना आ गया, 99 गुना 8 91 आ गया है, आया कि नहीं आया 91। अब 91 को भाग यही करते हैं, 91 यहाँ ले लेते हैं हम लोग, 9 2 गुना 1 9/2 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 994 हम लोग का 7 से भाग जाने वाला है, ये हम लोग का 7 से भाग जाने वाला है। तो हम लोग ये इतना संख्या है 994 तक हम लोग का तीन अंक का भाग जा सकता है, मतलब 7 को हम लोग भाग कर सकते हैं, इन सब संख्या को हम लोग 7 से भाग कर सकते हैं, तीन अंकों की। ये हम लोग का तीन अंकों की संख्या है, वो बोला कितना होगा, वो हम लोग का नहीं बोला है कितना तक होगा हम लोग का तीन अंक का, कि 7 से भाग जाएगा। तो हम लोग इसको करते हैं, तो पहले हम लोग 51 क्या करते हैं, 51 105 है, 105 लिख देते हैं। दीकावन क्या कर सकते हैं, 112 माइनस 105 घटाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 7 आएगा। तो 51 पता चल गया, दीकावन भी पता चल गया, और एन कितना हम लोग का, एन कितना आ गया, 994 आ गया। तो एन का मान निकालना है कि कितना पद होने वाला, कितना पद जो आपको 7 से भाग जाएगा। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस बी, यही ना फॉर्मूला होता है एन का फॉर्मूला। तो अब एन कितना हम लोग का, 994 ए का मान कितना है, 105 लिख देते हैं। फिर क्या है, प्लस एन माइनस ए, डी का मान कितना है, 7, तो 7 लिख देते हैं, डी का मान प्लस है, उधर आ जाएगा तो पूरा घुमा लेते हैं, ठीक है। 105 प्लस 105 प्लस एन माइनस 1 गुना 7 इक्वल टू 994 आ गया हम लोगों का। तो देखो 105 उधर जाएंगे तो घटा होगा कि नहीं होगा, तो 7n माइनस 7 994 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस कर देते हैं। देखो अब क्या करना है हमको, इन दोनों को घटाना है, 994 को 105 के साथ घटाना है, 995 को 5 के साथ घटाएगा तो कितना आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 6 आ जाएगा, 9
नाइन होगा कि नहीं होगा, 14 से 5 घटाएंगे, 14 से 5 घटाने पर 9 आएगा, 9 और 5 14, यहाँ 8 और यहाँ 8 9 हो जाएगा, तो 7n-7 बराबर 8 9 होगा, 7 है 7 घटा उधर लेके चला जाता है n, तो 8 9 प्लस 7 तो क्या आएगा 7n 9 7 16 8 आएगा 9 और 8 9 6 गुणा तो भाग करते हैं n 8 9 6 7 को 8 9 6 7 को 8 on the 7 on the 7 1 9 7 to the 14 5 6 7 8 the 16 7 8 the 56 तो 7 8 the 56 कितना आएगा, हम लोग काट देंगे तो कितना आएगा 128, तो n का मान कितना आएगा 128, मतलब इन कितना संख्या होगा 7 से विभाजित सकता तीन अंगों की 128 होगा, 128 आप गिन लीजिए जितना भी होगा गिन लीजिए, 128 से ज़्यादा नहीं होने वाला है, मेरा ये वादा है, समझ गए। ये 13 नंबर आपको समझ में आया होगा, 11 12 नंबर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 नंबर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक है, लेकिन 12 नंबर इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है ठीक। और 128 समझ में आया, हम लोग तीन अंकों की बोला है सात से विभाजन के लिए, तीन अंकों की हम लोग संख्या लिख लिए हैं, लास्ट तक कितना होगा 994 हम लोग को पता था, मतलब हम लोग ये है तो उसको चेक कर लिए किस तरह से चेक भी होता है, हम लोग पहला अंक लिख लिए और डी का मान भी लिख लिए और ए एन का कितना 994 है 994 लिख दिए, फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, जितना फॉर्मूला हिसाब से चला गया कितना आगे एन का वहाँ 128, मतलब हम लोग का तीन अंक कितना संख्या होगा जो सात से हो जाएगा 128। अब हम लोग 14 नंबर ना देखते हैं,